हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद कंफर्ट। और आज के डिस्कशन में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, जो है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो जनरली स्टूडेंट को जो ये जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है। उन्हें अल्टीमेटली समझ में नहीं आता कि जो जॉन रॉल्स हैं वो कहना क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल पोजिशन, इग्नोरेंस, ये सब क्या है। तो गाइज, एक रिक्वेस्ट है कि आप आज वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ट्रस्ट मी कि आपको जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसकी क्रिस्टल क्लैरिटी आने वाली है। हमें जो इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद, इतना आपको समझ में आ जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में, जिससे कि हमारी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग रहे। जॉन रॉल्स ने भी जब अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी, तो आसपास की पहले एक प्रॉब्लम ली थी, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश की थी। तो मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो आसपास की सोसाइटी थी वो वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी नहीं थी, राइट? वो जस्ट सोसाइटी नहीं थी। सो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ अ वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी, व्हाट इज़ अ जस्ट सोसाइटी, व्हाट इज़ अ जस्टिस, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से आपके आपसे भी मैं पूछूं कि आप किस प्रकार की सोसाइटी में रहना चाहते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है मान लीजिए, तो आप कहेंगे कि वो ऐसी सोसाइटी जिसमें मुझे प्रिविलेज्ड पोजीशन मिली हो। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सारे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखेंगे। तो अगर हम ग्रुप में डिवाइड कर लें इसे, इस चीज़ को, तो जो फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेसमैन है वो कहेंगे कि हमें प्रिविलेज्ड पोजीशन मिले। जो बिजनेस लॉ ऐसे बने उस सोसाइटी के, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कि बिजनेस जो बिजनेस के लोग हैं उनको सपोर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भाई है, वो आपके भाई बहन गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनको लगेगा कि जो गवर्नमेंट टैक्स के रूल बनाए उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको रियायतें दें, राइट? उनको उनको कुछ छूट दी जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल यही कोई दूसरा पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई बैंकर है, कोई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसे लगेगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स रूल बने। तो हर एक इंडिविजुअल कुल मिलाकर अपनी अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन को बनाए रखना चाहेगा। ये उसी तरीके से हो गया ना, कि जैसे आपको बोला जाए कि आप किस तरीके का मैच देखना पसंद करेंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हो रहा होता है, तो हमको लगता है ना, जब हमारी टीम जीत रही हो, इंडिया जब जीत रही होती हो, तो उस मैच को देखने का एक अलग मजा होता है, राइट? तो इसी तरीके से है कि जो गुड सोसाइटी हमारे लिए क्या है, जहां पर हमें प्रिविलेज्ड पोजीशन मिले हो, हमारे जो इंटरेस्ट में और जो लॉ है वो बने हो। तो अगर इस तरीके से सिचुएशन रहेगी, तो जो सोसाइटी है वो कभी वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप का, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का जो है वो डोमिनेंस रहेगा, उनकी प्रिविलेज्ड पोजीशन रहेगी, राइट? तो ये सोसाइटी कैसी होगी? अनफेयर होगी, अनजस्ट सोसाइटी होगी। सो व्हाट इज़ द जस्ट सोसाइटी जॉन रॉल्स के को अगर हम क्वेश्चन करें, देन अगर ये अनजस्ट सोसाइटी है तो जस्ट सोसाइटी क्या होगी? तो जस्ट सोसाइटी जॉन रॉल्स कहते हैं कि ये कौन बनाएगा, इंडिविजुअल्स ही बनाएंगे। ये क्या बात कर रहे हो भाई, राइट? कंफ्यूजिंग है ना। अगर इंडिविजुअल यहाँ पे बना रहे थे तो वो अनजस्ट बना रहे थे, क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन को ध्यान में रखकर बना रहे थे। अगर इंडिविजुअल ही बनाएंगे तो फिर से तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रख के जो ऑर्डर है सोसाइटी का वो डिसाइड करेंगे, इस तरीके से फिर वो अनजस्ट एंड अनफेयर हो जाएगी, राइट? तो इसके लिए जॉन रॉल्स कहते हैं, नहीं भाई रुको, अभी इंडिविजुअल्स बनाएंगे, लेकिन जो अभी सिचुएशन है ऐसी नहीं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को वो इमेजिन करते हैं, जिसको कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन। ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी को चूज करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी चूज करेंगे, अब ये ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर किस बात का रहेगा? कि जो वेल्थ एंड रिसोर्सेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, राइट? ये इंडिविजुअल ही डिसाइड करेंगे, और इनको डेलीबेटर्स बोला है, टर्म यूज़ किया है जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी में। तो कंफ्यूज मत होना अगर आपको किताबों में कहीं ये टर्म मिलता है, इसलिए पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। डेलीबेटर्स मतलब इंडिविजुअल्स जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर चूज करेंगे। तो अगर तो हाँ यही तो ये जो पर्सन ए है, ये कंफ्यूज्ड है कि भाई अभी तो आप कह रहे हो कि इंडिविजुअल लॉ बनाएंगे, तो वो अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन को रखकर बनाएंगे, अब फिर आप कह रहे हो कि इंडिविजुअली बनाएंगे। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि रुको भाई, इंडिविजुअल्स बनाएंगे लेकिन उनको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाना होगा, और इसको नाम दिया है
वेल ऑफ इग्नोरेंस, और ये जो ओरिजिनल पोजीशन होगी ये कैसी होगी, यहाँ पर वेल ऑफ इग्नोरेंस होगा। अब ये भाई नहीं क्या, ये क्या चीज़ है, कैसे कोई ओरिजिनल पोजीशन में जा सकता है? तो यहाँ पर जॉन रॉल्स कहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन का ये मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन क्रिएट करेंगे जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल, जो ये डेलिबरेटर्स हैं, जो लॉ बना रहे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर चूज कर रहे हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर पोजीशन, स्टेटस, प्रिविलेजेस एंड ऑल। मतलब ये इस तरीके, इसके लिए बहुत ही बेसिक एग्जांपल यूज किया जाता है कॉमन, तो वही मैंने एग्जांपल लिया है, आपको ये मिलेगा भी किताबों में, कि जो ये एक केक है राइट, और इस केक को आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कोई भी पीस किसी को मिल सकती है राइट। अब यहाँ पर देखो आप कितनी 3, 6, 7, 8 पीसेज हैं और 8 लोग हैं। सो एक, अब जो मान लीजिए इसमें से 2 डेलीबेटर्स को चुने गए, या 8ों को मान लीजिए, 8 के 8 जो क्या है, डेलीबेरेटर्स हैं, मतलब जो इंडिविजुअल हैं, जो ये डिसाइड करेंगे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे होगा। तो अब इसमें से वो ओरिजिनल पोजीशन में है, ओरिजिनल पोजीशन का मतलब ये है कि इन 8 बंदों को ये नहीं पता है कि कौन सा पीस किसे मिलेगा। गेटिंग इट, दे आर नॉट अवेयर कि कौन सा पीस किसको मिलने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, वो चाहेंगे ना कि क्या करें, इसको बराबर हिस्सों में काटें, क्योंकि पता नहीं कौन सा पीस किसे मिल जाएगा, मुझे भी कम मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस बंदे ने कहा कि मेरी प्रिविलेज्ड पोजीशन होनी चाहिए, ये पर्सन ए राइट, और इसने क्या किया, केक को काटा 8 भाग में, लेकिन एक पीस को थोड़ा बड़ा बना दिया। इसको ये सोचकर, अपने जो स्वार्थ को सोचकर, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सोचकर कि मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये मैं अपने पास रख दूंगा, बाकी के जो 7 छोटे छोटे हिस्से हैं मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा दूसरों को। तो ये होगी प्रिविलेज्ड पोजीशन वाली। लेकिन जॉन रॉल्स क्या कहते हैं यहाँ पर, तो भाई हमें वेल ऑफ इग्नोरेंस में डिसाइड करना है चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन, कि पर्सन ए को नहीं पता है कि यही बड़ी वाली पीस मुझे मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल, ये बड़ी पीस पर्सन बी को मिल गई और मुझे वही छोटी पीस मिल गई, तो इससे बेहतर ये ना हो कि मैं सारी पीस को इक्वल काटूँ, जिससे कि कोई भी मुझे मिले लेकिन सब कम, सबसे अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम कम तो नहीं मिलेगी। गेटिंग इट, तो ये है ओरिजिनल पोजीशन या वेल ऑफ इग्नोरेंस का कंसेप्ट। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ जो आप लोगों से रिलेटेड है, आपको बेहतर समझ में आएगा ये ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस का जो कंसेप्ट है। इसी को फिर हम देखेंगे कि जो जॉन रॉल्स हैं उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में से कैसे यूटिलाइज किया है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 4 सिबलिंग्स हैं, आपके घर में 4 भाई बहन हैं, और आप लोगों को बोला गया, आपके पेरेंट्स ने बोला कि हम चारों को सेपरेट रूम्स देंगे। तो घर में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 4 रूम बनवाए गए और बोला गया आप चारों को कि इनको इसको डेकोर करना है राइट, सजाना है रूम को, इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, फर्नीचर एंड पर्दे एंड ऑल लगाने हैं चारों में, 4 रूम में, और आपको एक एक सेपरेट रूम यहाँ पर मिलेगा। बट अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा रूम किसको मिलेगा, ये क्या रहेगा, ये डिसाइड होगा मतलब ऑल ऑफ सडन, और ये डिसाइडेड होगा रैंडमली, कोई फिक्स नहीं है कि जो बालकनी वाला है वो रूम आपको मिल जाएगा, फिर फ्रंट लाइन वाला रूम आपके भाई को मिल जाएगा, बहन को मिल जाएगा, तो ये डिसाइडेड नहीं है। इस पहले आप डेकोर करो, तो आप चारों कोशिश करोगे कि हर रूम अच्छा से अच्छा सजाया जाए, अच्छा से अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग हो, अच्छा से अच्छा फर्नीचर हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा रूम आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही बड़े भाई को पता होता कि मुझे कौन सा रूम मिलने वाला है, तो वो क्या करता कि वो अपने रूम को अच्छा बनाता, बड़ा है, डोमिनेंस उसकी प्रिविलेज्ड पोजीशन है, आप छोटे भाई बहनों को हड़का के बैठा देगा, डांट लगा देगा, और वो बड़ा रूम ले लेगा और अच्छे फर्नीचर ले लेगा। तो ये जस्ट नहीं हुआ ना, ये अनफेयर हुआ, ये फेयरनेस यहाँ तो फेयर है ही नहीं है पूरा। तो यहाँ पर पेरेंट्स कहेंगे आप चारों अपना अपना इसको डेकोर करो, और हम बाद में इसको रैंडमली देंगे, एक चिट निकालेंगे और जिसके उसमें जो आ जाएगा वो ले लेगा रूम ए बी सी, ठीक, चिट निकाली जाएगी और कर दिया जाएगा जिसको जो मिलेगा। तो वो चारों सभी रूम को बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई भी मिल सकता है। तो यही जॉन रॉल्स ने ओरिजिनल पोजीशन और वेल इग्नोरेंस में
दिखाया है फ्री कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो डेलीबरेटर्स हैं आपके, जो ये चूज कर रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी क्या होगा, तो वो क्या है, वो वेल ऑफ इग्नोरेंस में है, वो ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन की थी जॉन रॉल्स ने, राइट. तो यहाँ पर ये जाएंगे और फिर चीज़ों को जो स्ट्रक्चर है उसको करेंगे, जिससे कि जो सोसाइटी का ऑर्डर है वो वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी हो और वहाँ पर फेयरनेस हो और जस्टिस हो, राइट. तो होप्स हो कि अभी आपको ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस का कंसेप्ट समझ में आया कि ये क्या है. अब फर्दर अगर हम चलें तो आप इसको हम जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी में कैसे किया है, हमने तो अभी अपने लाइफ के डेली एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. तो जॉन रॉल्स थ्योरी में हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. एक तो जो उनका कंसेप्ट है ओरिजिनल पोजीशन, जिसे वेल ऑफ इग्नोरेंस भी कहेंगे, राइट. दूसरा जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें दो प्रिंसिपल यूज़ किए हैं, एक है इक्वालिटी प्रिंसिपल, एक डिफरेंस प्रिंसिपल. ये हमारे तीन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस आपको समझ में आया. अब समझते हैं कि जो जॉन रॉल्स है, इन्होंने अपनी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है जो पॉलिटिकल साइंस में, उसमें कैसे इसे यूटिलाइज किया है. तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि जो जो इंडिविजुअल्स, जो डेलिबरेटर्स, जो ये तय कर रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी क्या होगा, वो क्या है, वो रेशनैलिटी का यूज़ करेंगे, रेशनल एक्शंस लेंगे. ऐसा नहीं कि इमोशन में आकर लेंगे, इमोशन में आकर लेंगे तो अपने आप को प्रिविलेज्ड पोजीशन में रख कर देंगे. तो रेशनल एक्शंस लेंगे, क्यों, क्योंकि वो जो वर्स्ट ऑफ कंडीशन, ये टर्म जॉन रॉल्स की थ्योरी में आपको किताबों में पढ़ने को बार बार मिलेगा, इसलिए मैंने सेम एज इट इज़ इस वर्ड को लिया है. वर्स्ट ऑफ का वही मतलब है कि सबसे बुरी स्थिति उनकी क्या हो सकती है, उसको भी कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो वेल ऑफ सोसाइटी, वेल ऑफ कैटेगरी से बिलोंग करेंगे या वर्स्ट ऑफ कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, क्योंकि वो तो वेल ऑफ इग्नोरेंस में है, अज्ञान का पर्दा है उनके सामने, उन्हें नहीं पता है अब कि क्या है. तो अभी बेसिकली दे आर नॉट अवेयर कि जो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी चूज कर रहे हैं उसमें उनकी पोजीशन क्या होगी, उनका स्टेटस क्या होगा. वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करेंगे या वो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन से बिलोंग करेंगे या पुअर पीपल से बिलोंग करेंगे, उन्हें ये नहीं पता, राइट. तो इस तरीके से जो जो डिलीबरेटर्स होंगे वो रेशनल एक्शंस लेंगे और जो वर्स्ट ऑफ कंडीशन होगी उसको भी कंसीडर करके चलेंगे. तो कोशिश क्या करेंगे कि मैक्सिमम इक्वालिटी हो, राइट, ताकि अगर उनको वर्स्ट सिचुएशन मिले तो भी वो इक्वालिटी की पोजीशन में हो, वो उतना बुरा ना हो, राइट. तो इसके एक एग्जांपल जॉन रॉल्स यूज करते हैं अपने थ्योरी में. वो कहते हैं कि जो डेलिबरेटर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ये तय कर रहे हैं कि वेल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी क्या होगा, तो फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में उन्होंने एक रूल बनाया, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ये बनाया कि जो क्रिश्चियंस हैं उन्हीं के पास प्रॉपर्टी का राइट रहेगा. सो राइट टू प्रॉपर्टी किसके पास रहेगा, जो क्रिश्चियंस हैं. बट अगर ये वेल ऑफ इग्नोरेंस का पर्दा जब हटता है, वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी डेवलप हो जाती है, तो अगर वो जो डिलिबरेटर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वेल ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी बना रहे थे, जो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे थे, वो अपने आप को पाते हैं कि वो नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी में चले गए, और नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी को तो उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी दिया ही नहीं है, तो ये इनके लिए क्या हो गई, वर्स्ट ऑफ सिचुएशन हो गई. और बेस्ट ऑफ सिचुएशन किसके लिए हो गई, क्रिश्चियंस, जो जो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी में गए, क्योंकि उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया. तो जो डिलिबरेटर्स हैं, अगर बाई चांस वो नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी में चले गए, तो उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगा. तो डिलिबरेटर क्या चाहेंगे कि ऐसे रूल्स बनाए जाएं जहां पर पॉसिबिलिटी ये हो कि वो वर्स्ट ऑफ सिचुएशन में चले जाएंगे. तो यहाँ पर डिलिबरेटर क्या चाहेंगे, चाहेंगे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो सभी को मिले. अब जब राइट टू प्रॉपर्टी सभी को मिलेगा तो उनके लिए टेंशन टेंशन ही नहीं है कि वो चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करें या नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करें, राइट टू प्रॉपर्टी दोनों को ही मिलना है. तो जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो ये जो वेल ऑफ इग्नोरेंस का लाने का मकसद यही था कि ताकि सोसाइटी में जो जो
प्राइमरी गुड्स हैं जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस के साथ, जस्ट एक फेयरनेस के साथ किया जा सके। अब ये सोशल प्राइमरी गुड्स क्या हैं, अभी हम आगे फर्दर देखेंगे। तो ओरिजिनल पोजीशन या वेल ऑफ इग्नोरेंस आपको समझ में आया गाइस? होप्स हो कि अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर और आपको रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी। अब कुछ टर्म्स हैं, कीवर्ड हैं, उनको ध्यान रखना। कीवर्ड बहुत ज़रूरी हैं जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो ये अब फर्दर चलते हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो मैंने आपको यहाँ पर इस जो फ्लो चार्ट या पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है वही फर्दर लिखा है। तो कंटेक्स्ट देखते हैं कि जो जॉन रॉल्स हैं ये एक अमेरिकन लिबरल पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, राइट। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक क्या है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है। और जस्टिस को जॉन रॉल्स कहते हैं कि जस्टिस एज फेयरनेस, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है वो फेयर होनी चाहिए। तो जो जॉन रॉल्स हैं कहते हैं कि जो सोसाइटी है एक कोऑपरेटिव वेंचर्स है फॉर द म्यूचुअल एडवांटेज, राइट। इसके बाद से जॉन रॉल्स कहते हैं कि जो सोसाइटी, वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी होती है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल प्राइमरी गुड्स वो फेयरनेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को देने के लिए जॉन रॉल्स ने दो प्रिंसिपल यूज़ किए हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल, राइट। तो ये दो इनके प्रिंसिपल हैं, अभी हम डिटेल में समझते हैं। पहले देखते हैं कि व्हाट आर दी सोशल प्राइमरी गुड्स, जहाँ पर जॉन रॉल्स बार बार ये टर्म यूज़ करेंगे कि सोसाइटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए कि सबका एडवांटेज हो उसमें। तो सोशल प्राइमरी गुड्स क्या हैं, दीज आर दी गुड्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाई द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। वही बेसिक स्ट्रक्चर जो डिलीबरेटर्स चूज करेंगे, जो डिसाइड करेंगे, और वो भी कहाँ पर, वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहकर। ओके, सो अब इसमें क्या चीज़ें आती हैं, जैसे राइट्स, लिबर्टीज। हमने प्रॉपर्टी राइट का डिस्कस किया ना कि क्रिश्चियन कैटेगरी, क्रिश्चियंस को केवल राइट टू प्रॉपर्टी अगर देंगे तो क्या सिचुएशन होगी। तो राइट, जो राइट्स हैं, लिबर्टीज हैं, पावर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, इनकम, वेल्थ, ये दीज कम्स अंडर द सोशल प्राइमरी गुड्स। तो जॉन रॉल्स का एम एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जो सोसाइटी है उसका बेसिक स्ट्रक्चर वेल ऑर्डर्ड हो, राइट। एक्सक्यूज मी गाइस। तो यहां पर तो ये चीजें हो गई आपकी सोशल प्राइमरी गुड्स। अब ओरिजिनल पोजीशन वेल ऑफ इग्नोरेंस जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी वो भी हमने डिस्कस कर ली अभी ऊपर कि क्या थी। यहाँ पर जो दिया गया है ये आपके नोट्स के लिए दिया गया है ताकि आप अपने सेल्फ मेड नोट्स बना सके। आप मुझसे पीडीएफ मांगते हैं, पीडीएफ देने में कोई इश्यू नहीं है, मैं शेयर कर सकती हूँ और मुझे जो लगेगा करना चाहिए वो मैं करूँगी भी। बट मुझे लगता है कि जो जो नोट्स आप खुद बना सकते हैं इन लेक्चर्स को देखकर वो आपको खुद बनाना चाहिए। मेरा सजेशन यही है गाइस। सो अपने जो नोट्स होते हैं ना, एक बार आप समझते हो, एक बार जब आप लिखते हो तो ये जो नोट्स बन जाते हैं ये आपको बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो हम अपने लेक्चर से नहीं भटकते हैं, मैं नोट मेकिंग का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी तक की स्टोरी समझ में आई वेल ऑफ एन इग्नोरेंस की, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की। तो ये यहाँ पर वही यही चीज़ें वर्ड में लिखी हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी है वो रीजनेबल होना चाहिए, रेशनल एक्शंस के थ्रू लेना चाहिए। जो डिलिबरेटर्स हैं उन्हें नहीं पता है कि सोसाइटी में उनकी जो पोजीशन है वो क्या होने वाली है, कौन सा स्टेटस, कौन सी पोजीशन वो ऑक्यूपाई करेंगे सोसाइटी में, उन्हें नहीं पता क्योंकि वो वेल ऑफ इग्नोरेंस में है, ओरिजिनल पोजीशन में है। तो यहाँ पर वो रहेगा कि वो अपर कास्ट में भी पैदा हो सकते हैं, लोअर कास्ट में भी हो सकते हैं, रिच पुअर भी हो सकते हैं, प्रिविलेज भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेज कैटेगरी में भी हो सकते हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जस्टिस किया जाए, मैक्सिमम इक्वालिटी रखी जाए। सो जॉन रॉल्स का ये हो गया आपका ओरिजिनल पोजिशन की कॉन्सेप्ट। अब जॉन रॉल्स की थ्योरी में टू प्रिंसिपल हैं। अच्छा, तो जब ओरिजिनल पोजीशन में जब बैठेगा इंडिविजुअल जहाँ पर ये सब चीज़ें डिसाइड कर रहा है कि जो
सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, तो पहला प्रिंसिपल जो उसमें यूज़ किया जाएगा वो इक्वालिटी प्रिंसिपल्स यूज़ किया जाएगा। इसे लिबर्टी प्रिंसिपल भी कहते हैं। अभी इक्वालिटी प्रिंसिपल क्या है, तो इक्वालिटी प्रिंसिपल ये है कि जब वेल ऑफ इग्नोरेंस के इधर जो डेलिबरेटर्स जो बैठे हैं वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल को मैक्सिमम लिबर्टी देंगे, मैक्सिमम इक्वालिटी देंगे, क्योंकि ऑल पीपल्स हैव इक्वल क्लेम टू एज मच फ्रीडम एज इट कंसिस्टेंट, राइट। तो यहाँ पर जितने भी पीपल्स हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस में, ये क्या है, इक्वल क्लेम करेंगे ना हर चीज़ का। केक ऑफ पीस याद है, इक्वल क्लेम है। वो जो रूम के एग्जाम्पल याद है, इक्वल क्लेम है चारों भाई बहनों का। तो यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी प्रिंसिपल पहला, कि इक्वल क्लेम है यह सबका। तो पहला प्रिंसिपल लागू होता है आपका लिबर्टी प्रिंसिपल, तो सबको इक्वल लिबर्टी है कि वो उन्हें इक्वल मिलेगा, राइट। तो अब यहाँ पे अब जब इक्वालिटी मिल जाएगी तो हो सकता है कि कुछ लोग डिसएडवांटेज कैटेगरी में जाएं। अब ये कैसे होगा, जैसे हम एक एग्जाम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं, हमने एजुकेशन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी, इक्वल लिबर्टी दे दी। आपके चारों भाई बहनों को क्या है, इक्वल लिबर्टी है, आप जाओ पढ़ो। पेरेंट्स ने कहा ना कि हम इक्वली सबको पढ़ाएंगे, चारों भाई बहनों को, राइट। अब उसमें से आप देखेंगे कि एक जो है, जो बड़ा भाई है, वो टॉप पोजिशन में रहता है, वो टॉप कर गया, वो अच्छा एजुकेशन पाया, गवर्नमेंट जॉब पा गया। जो दूसरा नंबर का है वो थोड़ा ठीक ठाक पोजिशन में रहा, जो तीसरे नंबर का है वो उससे भी नीचे आया, और जो चौथा है वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करी उसने, वो एकदम ही नालायक निकल गया, राइट। ये चीजें हो सकती हैं। तो अब लिबर्टी तो इक्वल सभी को मिली थी, फिर भी इनइक्वालिटी आ गई, आई कि नहीं आई इनइक्वालिटी। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सब उस अपॉर्चुनिटी का इक्वली लाभ उठाएंगे। आपके आप लोगों को, चारों भाई बहनों को एंड्रॉइड फोन दे दिया गया, स्मार्टफोन दे दिया गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दी गई, क्या चारों उसका इक्वली यूटिलाइज करोगे? कोई फेसबुक इंस्टाग्राम चलाएगा तो कोई यूट्यूब से अच्छे से लेक्चर्स पढ़ के और क्या करेगा, अपनी एजुकेशन अच्छी करेगा, अपने अपने जो अपनी पढ़ाई है उसको और अच्छा करेगा, इम्प्रूव करेगा, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा एकेडमिक्स में। और एक है जो पूरे टाइम इंस्टाग्राम में रील देखता रहता है, तो वो क्या करेगा, अपनी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको पुअर करेगा। अपॉर्चुनिटी तो सबको इक्वल ही मिली थी, राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्या आ जाएंगी, इनइक्वालिटीज आएंगी, पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं। सो आप यहाँ पर वही सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, बस वर्ड्स पे लिखे गए हैं, आप आराम से स्लाइड को पॉज करके पढ़ सकते हो और लिख सकते हो। मेरा अभी मैं आपको बस समझाने के लिए आपकी लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स यूज कर रही हूँ, ताकि आप बेटर कनेक्ट कर पाए, राइट। तो पहला क्या हुआ, इक्वालिटी प्रिंसिपल, लिबर्टी प्रिंसिपल, सबको इक्वल क्लेम है, इक्वल दिया भी गया, बट आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट में कुछ इनइक्वालिटीज आएंगी। तो इसी को डील करने के लिए, एड्रेस करने के लिए दूसरा प्रिंसिपल यूज किया जाता है, दैट इज अ डिफरेंस प्रिंसिपल, एंड एड्रेस सच अ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंस प्रिंसिपल। एंड डिफरेंस प्रिंसिपल को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पहला इज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दूसरा इज द डिफरेंस प्रिंसिपल, देयर आर द टू पार्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। अब एक और एग्जांपल अगर हम यहां पर लेते हैं, तो ये पर्सन राकेश है, ये पर्सन है कोई राकेश और ये राहुल है फॉर एग्जांपल। तो राकेश को भी इक्वल पढ़ाई करने का दिया गया था, बट वो यहाँ पर लैंड अप किया एक सफाई कर्मचारी के रूप में, राइट। दूसरा जो ये राहुल है, उसने उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई थी, उसने अपने स्किल्स डेवलप किए, स्पोर्ट्स पे अच्छा किया, अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो इन दोनों की अर्निंग में ह्यूज डिफरेंस होगा। तो जो जॉन रॉल्स हैं वो कहते हैं कि ये जो इनइक्वालिटीज हैं अर्निंग में दोनों के बीच में, ये इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये इनइक्वालिटीज आई थी ना, इक्वल लिबर्टी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के बाद में भी, इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जो आपके चारों भाई बहनों में अलग अलग परफॉर्मेंस रहती है, उसके कई कारण होंगे। भाई पेरेंट्स तो एक ही हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। और आपको एजुकेशन भी इक्वल दी गई, फोन भी दिया गया, सब कुछ दिया गया, फिर भी इनइक्वालिटीज आई, क्यों आई? तो जॉनल्स कहते हैं कि यहाँ पे लीगल इनइक्वालिटीज भी हो सकती हैं। लीगल इनइक्वालिटीज का क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो हम ये राकेश एंड राहुल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, लीगल इनइक्वालिटीज कैसे है कि मान लीजिए स्पोर्ट में जाने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया था,
हम आर्मी का एग्जाम्पल लें, दैट इज अ मच बेटर आई थिंक। तो आर्मी के लिए एक पर्टिकुलर हाइट होनी चाहिए, राइट, या पर्टिकुलर बॉडी शेप होना चाहिए उसमें जाने के लिए। तो अब वो क्या है, लीगल इनइक्वालिटी हो गई। इस पर्सन ने नहीं अगर क्वालिफाई किया उस चीज़ के लिए तो नहीं जा पाएगा, ये पर्सन जा क्वालिफाई कर लिया, इन सारे जो लीगल जो जो पैरामीटर्स थे ये चला जाएगा। नेक्स्ट है बर्थ स्टेटस। बर्थ स्टेटस का ये मतलब है कि जो ये राकेश है ये ऐसी फैमिली में बिलोंग करता है जहाँ पर कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं है, सराउंडिंग भी अच्छी नहीं है, रूरल एरियाज में है, राइट। और जबकि ये जो पर्सन है राहुल, इसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करता है जहाँ वो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो वो पर्सन आगे निकल गया, ये हो जाएगा। और तो जो जॉन रॉल्स हैं वो कहते हैं कि जो ये लीगल और बर्थ स्टेटस की इनइक्वालिटीज है ये नहीं होनी चाहिए, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो सरकार का काम है कि लीगल इनइक्वालिटीज, बर्थ स्टेटस को ही, जो ये फैक्टर्स हैं इनको खत्म किया जाए, इलिमिनेट किया जाए। लीगल इनइक्वालिटी बर्थ स्टेटस की वजह से इनइक्वालिटीज सोसाइटी में नहीं आना चाहिए, ये जस्टिफाइड नहीं है। इसीलिए तो हमें जो सोसाइटी है उसे वेल ऑर्डर्ड बनाना है, रिस्ट्रक्चर करना है ओरिजिनल पोजीशन में जाकर, ताकि लीगल इनइक्वालिटी बर्थ स्टेटस इनको हटाया जा सके। और हाँ, एक ही फैक्टर जस्टिफाइड है इस इनइक्वालिटी के लिए, वो है टैलेंट एंड एफर्ट्स। टैलेंट एंड एफर्ट्स कैसे? तो टैलेंट, फॉर एग्जाम्पल जो हम देख, आपके चार भाई बहनों का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, उसमें छोटा वाला जो नालायक निकल गया था, उसके हो सकता है उसके पास टैलेंट ना हो उतना एकेडमिकली, या उसका आईक्यू लेवल उतना अच्छा ना हो, उसने एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाया वो, राइट। तो टैलेंट और जो एफर्ट्स होते हैं इसको बेसिस पे इनइक्वालिटी को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो अब जब इनइक्वालिटी है तो इसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज आएगी उसको एड्रेस किया जाएगा डिफरेंस प्रिंसिपल के द्वारा। अब ये डिफरेंस प्रिंसिपल इसे कैसे कैसे डील करेगा? सो डिफरेंस प्रिंसिपल में आप जैसे इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या किया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, राइट। आप देखेंगे कि SC, ST, OBC, देन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, क्योंकि ये क्या है, ऐसी इनके इनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटेट कराया जाता है, राइट, ताकि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसमें उस पर आ सके। तो टैलेंट और एफर्ट्स की बेसिस पे क्या रहेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाएगी। कुछ जो जो दूसरे जो जैसे मान लीजिए पुअर पीपल्स हैं, राइट, उनको गवर्नमेंट क्या करे, एक्स्ट्रा पैसे दे, ताकि वो टैलेंट को कैसे कर सकते हैं अपने, कि वो एक्स्ट्रा कोचिंग लगा सके, राइट, एक्स्ट्रा ट्यूशंस ले सके। तो इस तरीके से उनको अदर चीज़ों से फैसिलिटेट कराया जाएगा। तो इसे कहते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल। और इस तरीके का डिफरेंस प्रिंसिपल जस्टिफाइड है क्योंकि ये जो इनइक्वालिटीज है बेनिफिट टू ऑल, इफ इनइक्वालिटीज बेनिफिट टू ऑल, तो इस तरीके का डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन जो है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये क्या है, अफर्मेटिव एक्शंस के अंदर आता है। तो वेलफेयर स्टेट में आप देखेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी, राइट, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स एडमिशंस में, और इसके बाद से जो पुअर पीपल्स हैं उनके लिए अदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, अलग जो स्कीम्स होती हैं, फीमेल के लिए जो अलग से स्कीम्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल में आ जाएंगी। आप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो वेल ऑफ इग्नोरेंस एंड ओरिजिनल पोजीशन में जाकर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी डिसाइड करेंगे, और जिसमें इक्वल लिबर्टी सबसे पहले आती है, देन फेयर अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, इसके बाद से फाइनली द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर क्रिटिकल इवेलुएशन किया जाए तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव आप दोनों देंगे, तो आप देखेंगे कि जो जॉन रॉल्स हैं वो वेलफेयर स्टेट को जस्टिफाई करते हैं। वेलफेयर स्टेट क्या करता है, जो अमीरों से पैसे लेकर टैक्सेशन के थ्रू क्या करेंगे, जो जो पुअर पीपल हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, राइट, कुछ अदर स्कीम्स चलाएंगे। तो जो जॉन रॉल्स हैं उन्होंने जस्टिफिकेशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट किया, टैक्सेशन सिस्टम का, बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज, जो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उसको कंसीडर करना, ये पॉजिटिव थिंग्स में आ जाएंगी।
निगेटिव थिंग्स में आप देखेंगे कि जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है जॉन रॉल्स को, कि जो जॉन रॉल्स हैं उन्होंने फीमेल क्वालिटीज़ को तो शामिल ही नहीं किया है जब ओरिजिनल पोजीशन में वैल्यूज़ या जो वेल्थ था, रिसोर्सेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। सोशल प्राइमरी गुड्स में हमने क्या देखा था, लिबर्टी, राइट्स, रिट, ये सारी चीज़ें थी जिनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो कहती हैं कि जो फीमेल क्वालिटीज़ हैं, इमोशंस हो गए, फिर इन सब चीज वैल्यूज हो गई, तो इन सब को तो कंसीडर ही नहीं किया गया। सो जो पब्लिक पार्ट है उसमें प्राइवेट पार्ट को तो कंसीडर ही नहीं किया गया ना। सो पब्लिक का मतलब है जो पॉलिटिकल अफेयर्स जहाँ पर होते हैं, प्राइवेट सेक्शन का, प्राइवेट डोमेन का मतलब है जो एक घर में होता है, एक फैमिली के अंदर होता है, राइट। तो उन सब चीज़ों को तो, जो जैसे डोमेस्टिक वर्क हो गए, इन सबको तो शामिल ही नहीं किया गया है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म रहे हैं। कंक्लूजन में आप देख सकते हैं, आप कंक्लूड कर सकते हैं, आप जो जॉन रॉल्स की थ्योरी है कि किस तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन से इलस्ट्रेट किया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज है वो फेयरनेस पे बेस्ड होनी चाहिए। इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को, प्रिंसिपल को, ऑफ जस्टिस को रिजेक्ट किया है, क्योंकि यूटिलिटेरियन में मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपल का रहता है ना, तो माइनॉरिटीज को वो इग्नोर करते हैं, इसलिए जॉन रॉल्स ने इन्हें क्रिटिसाइज किया है। तो जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वॉट डज द वेल इग्नोरेंस इन जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस मीन्स। तो जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है इसका, इसको बहुत पूछा जाता है। फिर व्हाट इज द जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें आप तीनों चीजें लिखेंगे कि कैसे वेल ऑफ इग्नोरेंस में जाकर डिसाइड करना है स्ट्रक्चर को। फिर जो दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, पहले इक्वल लिबर्टी या इक्वालिटी, और इसके बाद दूसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल, जिसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक है इक्वल अपॉर्चुनिटी और दूसरा है डिफ्रेंसिएशन डिफरेंस, राइट। तो ये हो गया जॉन रॉल्स की थ्योरी। होप सो यू लाइक इट गाइज, होप सो कि यू इंजॉयड इट, एंड आपकी जो जो अंडरस्टैंडिंग है जॉन रॉल्स की थ्योरी के बारे में, जो जो आपकी कन्फ्यूजन थे, राइट, वो दूर हुए होंगे। बट स्टिल मुझे फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट करना आपको कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।